अंगुलियां और शेष है, इसके बाद हम स्पष्टीकरण शुरू कर सकते हैं। स्वजन वस्तु व सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इसी प्रकार परजन मान करने वाली प्रवृत्ति व प्रयास को परार्थ संज्ञा की जाती। विषय चतुष्टय में आसक्ति सबीज एषणा त्रय सहित किया गया व्यवहार अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में सभी जीव का स्वभाव है। व्यष्टि के अस्तित्व में पाए जाने वाला अभिमान व अहंकार ही संकीर्णता व क्लेश कारण है। समष्टि के अस्तित्व की व्यापक सत्ता में ये विचार के बिना मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति मानवीय कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एकसूत्रता व्यवहार की एकसूत्रता के बिना निर्विरोधिता निर्विरोधिता के बिना निर्विरोधिता पूर्ण समाज निर्विरोधिता पूर्ण समाज के बिना सहअस्तित्व सहअस्तित्व के बिना समाधान समृद्धि समाधान अनुभूतियों की 68 पर क्रिया की पूर्ति के लिए भ्रमित इच्छा निरंतर व्यस्त है जिसकी पूर्ति नहीं। जानते हैं भ्रमित इच्छा और उसकी पूर्ति के लिए क्रिया, ये दो भाग क्या इच्छा के बारे में चित्रण, तो भ्रमित चित्रण भ्रमित चित्रणों के कंटेंट क्या क्या है, वही अमानवीयता दृष्टि अमानवीय स्वभाव अमानवीय विषय, ये सारा पूर्ति होने का कुल मिलाकर के अव्यवस्था, ये सारा अव्यवस्था का चित्रण ये हुआ भ्रमित इच्छा। क्रिया क्या है, हमने एक अनुभूति पद एवं पदातीत में सुनी थी, इच्छा से द्रवित होने वाला वहां ये क्रिया है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय ऐसी भ्रमित इच्छा से ऑपरेट होती है वो क्रिया पक्ष। तो अब क्रिया की पूर्ति के लिए भ्रमित इच्छा ये चक्र में फंस गए कि ऐसी क्रिया से तृप्ति तो होता नहीं, अतृप्ति। अब इस अतृप्ति के प्रभाव से न भ्रमित इच्छा इस ये सब पूर्ति करने के लिए, तो इस तरह से अतृप्ति का चक्र या दुष्चक्र यहां पर इंगित किया है जिसकी पूर्ति नहीं है। एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित स्वरूप की लोक संज्ञा है। तो अब दृश्य का हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो दृश्य में लोक रखेंगे, ये लोक होगा कि जैसे मानव में कल्पनाशीलता है कर्म स्वतंत्रता है, इस आधार पर मानव रचना करेगा, उसके पूर्व में अनुभूति गया है कि विगत में क्या हुआ अभी क्या होना है आगे क्या करना है, ये सारा रचनाओं को हम लोग सोचते रहते भी हैं, पर इन रचनाओं के मूल में इच्छा में जागृति के कंटेंट हो तो फिर इस लोक से लोकाशक्ति से हम मुक्त रहे, इसको हम समझ पाए, लोक को हम समझ पाए जिसे ही मानवकृत वातावरण के रूप में कहा गया। तो लोक से विमुख होकर ये अध्ययन नहीं है मेरे अनुसार, लोक के सम्मुख होकर के अध्ययन, और ऐसे ही हमें पता जो बंधन, तो कल जो अनुभूतियों में आए थे प्रकार के बंधन, इच्छा में बंधन है विचार में बंधन है और आशा में बंधन है। देखिए वापस चित्त का बंधन इच्छा का बंधन है जो स्वयं द्वारा से अमानवीयता का पोषण और चिंता का जन्म होता है, सरल चेत मेरे अनुसार कि हमें कहीं इच्छा बंधन
धर्मपूर्ण चिंतन अध्ययन में जो चित्रण है, इन चित्रणों में धर्मपूर्ण चिंतन होना या इस यही चित्रण से इच्छा बंधन से मुक्ति होना। भ्रमित मानव मान्यता पूर्वक चित्रण मान है। अब इस अभी पर देखें ये कैसे निराकरण होगा, उसका समाधान दिया है कि स्वजन वस्तु सेवा को महत्व चित्रणों का कभी पूरा नहीं होना। तब इस रूप में इस प्रकार से परजन वस्तु व सेवा में अधिक महत्व का अनुमान कर आशा में जो बंधन है उसमें जो चित्रण के कुछ भाग हैं वो एक बार मैं आपको स्पष्ट करके प्रयास करता हूं, ये स्पष्ट हो जाए जिससे कि ये बंधन मुक्ति के लिए हमारे प्रयास प्रारंभ। जैसे स्वजन स्पष्ट है ना, जिसको वो स्वजन उसमें सर्वजन ठीक है। जैसे ही परिचय शिविर में हमने सुना है भावनात्मक आवश्यकता और भौतिक आवश्यकता, तो जैसे ही भाव पक्ष भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान जाता है वैसे ही हम सार्वभौमता के धरातल की ओर गति करते हैं, ऐसा मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो वो केवल बोर्ड की एक्सरसाइज नहीं है कि भाव पक्ष और जैसे जैसे हमको स्वयं के भाव पक्ष की जानकारी होती है वैसे वैसे दूसरे के भाव पक्ष की भी जानकारी होने लगती है। ऐसे में हमारी संवेदनशीलता में गति आकर हम संज्ञानीयता के धरातल पर भाव अपने आप ही आता है। इस प्रकार परिवार रूपी व्यवस्था में जीकर हम समाज व्यवस्था का अनुमान हमारे में होने लगकर, समाज एक बड़ी व्यवस्था है उसमें परिवार एक छोटी व्यवस्था है, इस तरह से परिवार और समाज में अंतर संबंध स्थापित होकर देखिए स्ववर्ग, वर्ग सबको पता है वर्गीयता के, तो क्या उसको उसको अपन यहाँ क्या गिनती करें, आज सुबह सुबह देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें सर्व वर्ग आ जाए। स्वजाति सबको पता है, सर्व जाति, स्वमन ये एक और बारीक मुद्दा है, स्वमन जैसा मेरा मन लगता है वैसे करना, उसको मन मानी के यहां सर्व मन का ध्यान रखना। में सर्व संप्रदाय, स्वपक्ष की जगह पर सर्वपक्ष, इसी से ही स्वार्थी प्रवृत्तियां या व्यवहार होते हैं। इन जगह सर्व मन, सर्व संप्रदाय, सर्वपक्ष और सर्वभाषा, ये सारा हमारी मानसिकता में आने से, परार्थ व्यवहार हमारे में होने से हमारी प्रवृत्तियों का विकास होने, आधार पर उसका एक छोटा सा अनुभूति में उदाहरण ये है कि स्वजन वस्तु सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इस प्रकार परजन वस्तु सेवा में अधिक महत्व का अनुमान करने वाली प्रवृत्ति को प्रयास को परार्थ संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से अब हम वापसी सर्व मानव के प्रति इच्छा और उसके आधार पर लक्षण इसमें और स्पष्ट करके दिया। तो मेरा ध्यान गया कि लोक से विमुख नहीं, संसार से विमुख नहीं, संसार को नकार के नहीं, संसार को स्वीकारते हुए, पर उसमें भ्रम कहां से, अनिर्णय ही व्यस्तता है। ये क्यों अनिर्णय है, इसके कंटेंट से भरी हुई इच्छा और उस आधार पर क्रिया सम्मिलित होने से लोकाशक्त से हम निकलेंगे और लोकोपयोगी लोकाकांक्षाओं को पूर्ति करने वाले व्यक्तित्व हम बन सकते। आगे दिया है कि संपूर्ण सृष्टि का अध्ययन मानव ने कुल 6 दृष्टिकोणों से किया है। 68 पेज पर आखिरी से लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म और सत्यास्त्र, अर्थात परिचय शिविर में इसकी सूचना हम सबको मिली है कि तुलन में ये दृष्टियां हैं प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। इन दृष्टिकोणों से जागृति पथ पर ले जाती है अर्थात विकास के लिए। और कौन सी दृष्टियां हैं, कि जन्म से ही सुख लक्ष्य को स्वीकार किया है, यानी सुख का आशय हमारे में है, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स भी है। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, यह आशय है इस आशय की पूर्ति की आवश्यकता होना, क्षमता से दृष्टि तथा दर्शन से स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण से निश्चित योजना। इस तरह से भाई और बहन अनुभूति से सुखाकांक्षा का तैयार होते जो ऊपर से दूसरी अनुभूति है इसको कनेक्ट करके देखते। प्रयास के मूल में क्षमता,
क्षमता के मूल में अध्येय, अध्येय और पात्रता का अंतर संबंध स्पष्ट किया। कैसे हम अपनी योग्यता विकसित कर सकते हैं और कैसे योग्यता विकसित करने से कैसे हमारी पात्रता विकसित होती है और योग्यता और पात्रता के विकास से कैसे हमारी क्षमता विकसित हो सकती है। पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास का अर्थ है ये जो दर्शनवाद शास्त्र, ये तीनों मिलाकर के जो निश्चित योजना हमारी तैयार जागृति के लिए, उसके लिए जो सूचनाएं हैं, जो स्पष्टीकरण है, जो क्रम है, ये सबको हमको स्पष्ट होने को कहेंगे शास्त्राभ्यास। बोल, साहित्य, दर्शन, विचार इत्यादि से, सूचनाओं से जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के पठन से। बाबा जी ने एक जगह पर कहा है, भाई वांग्मय क्यों लिखा है, तो वांग्मय एक सशक्त माध्यम है व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने के लिए। मैं इसी समय में कृतज्ञता में लिखा हुआ महत् प्रयास से ये सारा वांग्मय सुव्यवस्थित ढंग से आज हम तक पहुंच रहा है। मैं छोटी में हूँ तो मुझे हमारे बड़े भैया बी आर भाई, उनकी श्रीमती अंचला भाभी, उनका नाम स्मरण होता है। साथ में हमारे मित्र हैं अभय पुराणी जी, उनकी श्रीमती जी ज्योति पुराणी जी। जब से मैं 2005 से जुड़ा, एक बार गया जिस तरह से वो घर में पूरे पुस्तकों को संभाले थे और वो भी आज इस पूरे प्रकाशन को बाबा जी के पास बैठकर सारा लिखना, उनसे चेक करवाना काफी प्रयास हुए। लोग इतना सारा वांग्मय जो पुरानी एडिशन का यदि काउंट जोड़ा, विश्लेषण क्या महत्वपूर्ण नहीं है, है ना? विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है, पर पठन का जो सीक्वेंस है, पठन का जो एक अभ्यास है, उसमें जो प्रस्तुत तर्क है, अनुभूतियां हैं, विश्लेषण है, एक बार हमारे में आ जाना, धीरे धीरे विश्लेषण अभ्यास सफल होंगे, ये हमारी योग्यता का वर्धन के लिए। तो पठन का जो मैं आशय समझा वो है कि हमारे स्मरण में आना, उसकी तर्क संगति हमारे स्मरण है, इस रूप में पठन का मतलब। इसलिए थोड़ा सा आपका समय लिया, तब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के रूप में जैसा सोचता हूँ वैसा बोलता हूँ वैसा करता हूँ, ये सारे अभ्यास एक सूत्रता में होने हैं। एक सूत्रता के मूल में प्रयास हर मानवी का अपनी अपनी अवस्था और जागृति के अनुसार होना पाया जाता है। अध्यायों में इसका विस्तृत वर्णन है इस बारे में कि हर एक इकाई की अपनी अवस्था, उसका अवस्था का एक मूल स्वरूप पद और पदातीत अध्याय में दिया ही हुआ है। ईश्वर के रहस्य मुक्ति अध्याय है, उस अध्याय में अब जो दो तीन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी समय भी हो रहा है। अब एक सूत्रता, ये बड़ा की मुद्दा है हम सबके लिए। हम सब एक सूत्र कैसे हैं? परस्पर समाधान के अर्थ में जीवन क्रिया व संकेत ग्रहण सहित अनुसरण क्रिया ही एक सूत्रता है। उदाहरण परिवार का लेते हैं, हम परिवार स्वरूप उनके आशयों से, उनकी मानसिकताओं से जो संकेत, उन संकेतों को पहचान पाना और उस अनुरूप समाधान प्रस्तुत कर पाना, ऐसी परस्परता को एक सूत्रता कहते हैं। जो भी सुन रहे हैं, अब इसमें तो जो मानसिकताएं हैं उनके जो संकेत है, परिवार एक व्यवस्था पर, परिवार मिलकर के काम करते हैं, परिवार समूह मिलकर के काम करते हैं, तो वहां ये जीवन संकेत है, उन संकेतों को पोजिशंस, यदि ये सब होगा तो भाई एक सूत्रता तो नहीं होगा, है ना? और जहां तक अभी भी इसलिए समझते रहना, और ये एक सूत्रता यही चेत है हमारे में कि कितना अभी मैं एक सूत्र हो पा रहा हूं, कितना आशयों को पहचान पा रहा हूं। इस अर्थ में स्पष्टता पूर्वक प्रसार संकेतानुसरण से ही एक सूत्रता हो जाती है। अब स्पष्टता मतलब निश्चित, अब हम जितने भी भाई बहन हैं, मेरा विनय है कि क्या निश्चित योजना हमारे पास है, उस निश्चित योजना के लिए कितनी हमने सूचना भी एकत्रित की है, उसके लिए कितना हमारे में जिज्ञासा है,
ऐसी जिज्ञासा आवश्यकता, इससे अध्ययन अध्ययन में ये सारी योग्यताएं, इतने सारे कंपोनेंट्स हम लोग इस अनुभूति से दृश्य और दृष्टि के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, और साथ में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था जहां तक मेरा ध्यान गया है वो आप सबके सामने इसमें जो तर्क मेरे में बन रहे हैं उनको रखने का प्रयास किया। तो विगत 3 घंटों से जो आप मेरे साथ हैं सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। और शेष है, इसके बाद हम स्पष्टीकरण शुरू कर सकते हैं।